इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इतिहास रच दिया गया है 41 साल बाद जब भारत को हॉकी में वो मेडल मिला जिसकी उम्मीद पिछले ओलंपिक्स में भी थी, उससे पिछले ओलंपिक्स में भी थी। और दिलीप से जब आप समीप बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि वो जो जीत उनकी मिसिंग थी वो आज पूरी हो गई है हमारी टीम के जरिए। बहरहाल लगातार बधाई संदेश जो हैं वो आ रहे हैं भारतीय टीम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हिंदी में भी ट्वीट किया है, समीप में फटाफट वो पढ़ के सुना देती हूं। जरूर जरूर। प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गौरवित भारत, टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। ये पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है हमारी उस हॉकी टीम के लिए जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया है और तिरंगा एक बार फिर से गर्व से लहरा रहा है। बिल्कुल। और ये जो शब्द है ना प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट में, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, ये जो है ना शब्द मेरे को, मैं ढूंढ रहा था सुबह से, मुझे एक ऐसा शब्द दिया है, प्रफुल्लित भारत और प्रेरित भारत। वाकई में बिल्कुल वही सिचुएशन है और इन दोनों शब्दों ने पूरे के पूरे जो अभी हिंदुस्तान में जो माहौल है उसको बयां कर दिया। जो खुशी का माहौल है, जो हमें जोश आया हुआ है, जो हम मोटिवेटेड हैं, वाकई में पूरा हिंदुस्तान को प्रेरणा और प्रेरित किया है इस हॉकी टीम ने जो जीता है उन्होंने। और कोई ऐसा वैसा मैच नहीं जीता है, जर्मनी के खिलाफ ये मुकाबला जीता है। हालांकि एक पायदान हमसे नीचे थे, लेकिन 2012 लंदन ओलंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2008 बीजिंग ओलंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इनके बीच हमारे बीच इनकी जो टक्कर आप देखोगे तो 100 मैचेस में 53 मुकाबले वो जीते हैं और हम सिर्फ 20 जीते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने वो कर दिखाया। हम लगातार कह रहे हैं कि 41 साल बाद किया है, लेकिन इस 41 साल में टीम इंडिया ने काफी संघर्ष किया, बुरे दौर देखे, लेकिन अब एक अच्छा दौर हिंदुस्तान के हॉकी का शुरू हुआ है और अब हम वाकई में सारे प्रफुल्लित भी रहेंगे और प्रेरित भी रहेंगे और आत्मविश्वास से भरे भी रहेंगे। आत्मविश्वास से भरे, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और वो उम्मीदें लगातार हर नौजवान खिलाड़ी में जिंदा रहेंगी कि हमें भी हॉकी में कुछ करना है, हमें भी मेडल लेकर आना है। समीप, बहुत शुक्रिया आपका इसी के साथ, और हम अपनी खास पेशकश को यही विराम देते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि अभी हम वापस इसी बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।